पार्ट वन वीडियो में हमने अलजेब्रा के बारे में जाने, अलजेब्रा यानी बीजगणित के बारे में जाने, और उसमें हमने एक चर राशियों का जोड़। और आज हमने कहा है पार्ट टू वीडियो, जिसमें हम जानेंगे तीन चर राशियों का जोड़ कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे। जिस लिखे कि सरल कीजिए, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिंप्लीफाई, सरल कीजिए मतलब इसे छोटा कीजिए। तो चलिए देख दिया तीन चर राशियों का जोड़ कैसे किया जाता है। देखो बता रहे तीन चर राशियों का जोड़ करने से पहले चर राशियां क्या होना चाहिए बाबू, ऐ शोर मत करो। चर राशियों का जोड़ में क्या होना चाहिए, चर राशि समान होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर एक्स है तो इसके खान देखो ऐसे इसी इन कहने का मतलब चर राशि एक समान होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर एक्स है तो इसके जैसा कोई और है, यानी एक जात का होना चाहिए, तो इसके जैसा कौन है, एक यह है, तो इस दोनों को क्या करो एक पास कर लो, यानी फाइव एक्स एन चिन्ह के साथ उसे क्या करो कितना होगा नाइन एक्स, अब माइनस क्या होगा बच रहा क्या फोर वाई। हम जानते हैं ये पार्ट वन वीडियो में हमने सीखा था जब चर राशि समान होते हैं तो जुटता है तो कितना होगा फाइव और नाइन कितना होगा, कितना होगा बाबू समान नहीं होता तो उसका आंसर क्या होता है वही, तो जुटेंगे नहीं। क्या देखो इसे देखो यहाँ पर क्या है फाइव वाई स्क्वायर, इसके जैसा कोई और है, हाँ यह है, तो इन दोनों को क्या करो एक पास इसे पास, यानी हमने बताया कि चर राशियों के जोड़ में यदि चर राशि क्या हो समान हो तो क्या होता है जुटता है, अगर प्लस रहता है तो जुटता है, माइनस रहता है क्या होता है घटता है, तो इसे घटा लो, घटा ले कि प्लस है ना तो जोड़ोगे कितना बचेगा कितना होगा ट्वेंटी टू वाई स्क्वायर होगा, अब प्लस कितना बचना है टू एक्स, अभी जुटेगा देखो यहाँ वाई स्क्वायर एक्स है जुटेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा वही रहने दो, बताया था ना पार्ट वन वीडियो में। देखो इसे देखो वाई स्क्वायर है ए भी वाई स्क्वायर है, तीनों का चर राशि क्या है समान है तो जुटेगा, तो हम बताए थे इसका कुछ नहीं क्या होता है एक होता है, तो इसके भी आगे एक है इसके भी आगे एक है तो कितना होगा एक एक दो और तीन कितना होगा फाइव, एक बार लिख सकते हो फाइव वाई स्क्वायर या दो दो का पेयर बना कर भी कर सकते हो ना। यार देखो इसे सॉल्व करोगे तो देखो एक्स वाई स्क्वायर इसके जैसा कोई और है, हाँ है कौन फाइव एक्स स्क्वायर वाई, तो इस दोनों को क्या करो एक पास कर लो, शोर है एक्स स्क्वायर वाई और क्या है प्लस फाइव एक्स स्क्वायर वाई, यानी एक जात को यानी एक जात वाले एक पास कर लो और एक जात वाले एक पास कर लो, तो इसके जानते इसके जैसे तो कौन है नाइन एक्स है तो पहले चिन्ह उतार लो माइनस नाइन एक्स और प्लस कौन है थ्री एक्स, ये दोनों क्या है एक जैसे है, देखो चार राशि समान है ना तो घटाओगे घटाओगे कि जुटेगा, सोलह और पाँच कितना होगा सोलह प्लस तो जुटेगा ना कितना होगा ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर वाई, एक माइनस एक प्लस है हमने बताया जब एक माइनस एक प्लस रहता है क्या होता है घटता है बड़ा का चिन्ह लिखा रहता है, तो घटा लो नाइन में थ्री जाएगा कितना बचेगा सिक्स माइनस, अब माइनस कितना बचेगा माइनस सिक्स एक्स, कारण की ये दोनों बड़ा कौन है तो ये बड़ा, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो क्या लिखोगे माइनस। उसी प्रकार इसे देखो ए स्क्वायर है इसके जैसा कोई है नहीं, नहीं है तो इसे क्या करो इसी तरह उतार लो, ए भी समान है प्लस का चिन्ह है, दोनों प्लस रहता है क्या होता है जुटता है उसी का चिन्ह लिखाता है, बताए थे ना तो कितना होगा इलेवन इलेवन ए भी आपका क्या हो जाएगा यही करेक्ट हो जाएगा क्या आंसर ना आंसर। ऐसे सवाल को हमने बताया कि इसमें क्या करते हैं कि एक चर राशि वाले को एक पास कर लेते हैं और एक चर राशि वाले को एक पास, यानी बोले तो एक जात वाले देखो यहाँ पर फाइव ए स्क्वायर है इसके जैसा कोई और है टू माइनस ए स्क्वायर है कौन है माइनस टू ए स्क्वायर, अब इसके खान कोई और है नहीं, तब कौन इसके बाद आएगा प्लस थ्री ए बी, इसके खान कोई और है हाँ है कौन प्लस फोर ए बी, तो हमने पार्ट वन वीडियो में बताया थे क्या देखो जब यहाँ देखो फाइव ए स्क्वायर है यहाँ पर भी सेम है तो सेम क्या होगा जब माइनस क्या होगा घटेगा कितना बचेगा थ्री ए स्क्वायर आएगा प्लस प्लस तो जुटेगा कितना होगा सेवन ए बी ए आपका क्या हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार इसे देखो यहाँ ए बी सी है इसके बाद पास क्या है ए बी सी, तो हम बताए थे इसके आगे कुछ नहीं क्या होगा एक होगा तो जुटेगा कितना होगा टेन टेन ए बी सी अब प्लस क्या बच रहा है पंद्रह, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, कहे की इसका चार राशि समान है नहीं ना तो ये क्या हो जाएगा यही आंसर। ये देखो बाबू एक्स स्क्वायर इसके खान कोई और है नहीं, तो नहीं है तो कोई रहने तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या उतारोगे फाइव एक्स क्यूब
इसके जैसा कोई है? हाँ, five कौन है? प्लस चिन्ह के साथ उसे उठा कर लाए, कौन है? इसे क्या करो, 5x³ अब बच रहा है क्या, माइनस 9ax, तो इसे क्या कर लो, पीछे डालो, इसे हल करो, तो इसके जैसा कोई है नहीं, तो इसे उसी तरह उतार लो, ए बी प्लस तो जुटेगा कितना होगा, प्लस 10x³, अब बच रहा है क्या, माइनस 9ax, तो इसमें कोई समान है नहीं ना, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देखो बाबू सवाल, ax है, इसके जैसा कोई है, यानी एक जात वाले को एक पास कर लो, यानी इसके जैसा कौन है, 2ax, और है कोई नहीं, अब उसके बाद कौन है, प्लस 3a² + 7, तो यहाँ पर कुछ नहीं था, एक होगा तो जुटेगा 3, कितना होगा, 3ax, अब प्लस क्या होगा, 3a² + 7, आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर, ये जुटेगा नहीं, कहा कि देखो इसका ax है, a क्यों है, हमने बताया था चर राशियों के जोड़ में चर राशि क्या होना चाहिए, समान, यदि समान है तभी कुछ होगा, वरना कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पर 7m है और यहाँ पर क्या है, 5m, इसे क्या करो, इसे एक पास कर लो, चिन्ह के साथ लाएंगे, इसके आगे चिन्ह का है प्लस, तो प्लस, अब बच रहा है क्या, माइनस 2n² यानी ये जुटेगा कितना होगा, 12 m माइनस 2n² आपका यही क्या हो जाएगा, ये देखो ay² है, ऐसे कोई है, कोई और है, हाँ ए बी है, और कौन है, ए बी है, तो क्या करो, या तीनों का एक ही पास एक ही बार जोड़ लो, या दो दो का पेयर दो दो को जोड़ लो, इधर देखो यस सर, ये घटा ले पहले काम, घटाओ कितना बचेगा, 4ay², अब बच रहा है क्या, प्लस 3ay², अब प्लस क्या, 14, हो गया, देखो तो 4 और 3 कितना होगा, अभी से जोड़ लो प्लस, तो जुटेगा 7ay² अब प्लस कितना हो जाएगा, 40, यही आपका हो जाएगा क्या, तो